ऋषिकेश की ये व्यस्त सड़कें यहाँ के व्यापार की निशानी हैं। इन सड़कों में चहल पहल है तो समझिए कि व्यापार फल फूल रहा है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इन्हीं व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे नगर उद्योग व्यापार उद्योग प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री ऊर्जावान व्यक्तित्व प्रतीक कालिया जी से। कैसे हैं सर? नमस्कार। बढ़िया संजय जी, आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और बालाजी लाइव टीवी का भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और एक मौका दिया। अब एक शाम जिसमें अमूमन आदमी ये सोचता है कि दिन भर की गतिविधियों को अब समेटा जाए, वैसे व्यापारिक गतिविधियाँ समेटने का टाइम तो नहीं हुआ है अभी? अभी नहीं, अभी तो व्यापारिक गतिविधियाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो चरम पे जाएंगी अभी। हाँ, ये एक टाइम है जब उठान पे होता है। उठान पे होगा, अभी गंगा आरती का समय हो गया है। पंद्रह मिनट में शुरू हो जाएगी गंगा आरती। तो आपने कहा कि ये उठान का समय है व्यापार के। बिल्कुल। क्या लग रहा है, कोविड के बाद उठान आया है व्यापार के अंदर ऋषिकेश में? निश्चित ही आया है। जिस तरीके से अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं और लोग निकल रहे हैं कोविड के बाद, जो दो साल से लोग ट्रैवल के लिए नहीं निकले, घूमने फिरने के लिए निकले, वो सब लोग अब ऋषिकेश की तरफ या पहाड़ की तरफ या उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। जब वो यहाँ पैसा दे के जाएँगे, खर्च करके जाएँगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले के जाएँगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारे प्रदेश का होना है, वो पैसा इसी बाज़ार में आएगा। और जहाँ तक बटने का सवाल है, कंट्रीब्यूशन का सवाल है, तो हर एक व्यापारी को उसका हिस्सा अपने आप मिलता है। जितना जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना ही हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। मैं चाहूँगा इंट्रोडक्शन को ना एक बार फिर दोबारा शुरू करूँ, शायद मैंने इसमें कुछ कमी करी है। प्रतीक कालिया, महामंत्री नगर उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल, इसके अलावा प्रतीक कालिया राजनीति में भी हैं, प्रतीक कालिया बिजनेस में भी हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए और मतलब कि देखिए, हमारा शहर जैसे नगर की हम बात करें, बहुत छोटा सा शहर है। मेरी पैदाइश भी यहीं की है, ऋषिकेश की, और हम लोगों ने एक व्यापारिक पृष्ठभूमि से हम लोग उठे हैं, व्यापार किया है हमारे परिवार ने। एंड मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री जयदत्त शर्मा जी, वो भी व्यापार से जुड़े रहे, व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े रहे और व्यापारिक राजनीति भी उन्होंने करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक व्यापारियों का जो दर्द है, व्यापारियों की जो समस्या हैं, उसकी समझ शायद ज़्यादा थी, या उसको वो और अपने दिल के पास रखते थे उन समस्याओं को। उन्हें लगता था कि व्यापारी को अगर ये समस्या आई है तो ये मेरी भी समस्या है, ये खाली उस व्यापारी की समस्या नहीं है। तो यही है प्रतीक कालिया। तो प्रतीक कालिया का व्यापारिक राजनीति में आना, ये एक डायनेस्टी को संभालने वाली बात थी या मतलब ये इंटरेस्ट फील्ड था? या इंटरेस्ट फील्ड मैं इसे ज़्यादा मानूंगा, डायनेस्टी को संभालना तब बोलता मैं अगर मेरे आदरणीय दादाजी भी व्यापारिक राजनीति में होते, उनकी डायनेस्टी को मेरे फादर साहब ने संभाला होता और उनकी डायनेस्टी को मैंने संभाला होता। कोई इतना बड़ा है कि वो किसी की लेगेसी संभाल सकें? मुझे लगता है मेरे फादर साहब ने जितना काम किया है नगर में व्यापारियों के लिए, समाज सेवा में, मैं अगर उसका 10% भी कर पाया अपने पूरे जीवन में, तो मुझे लगता है मेरी तृप्ति उतने में हो जाएगी। तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है ये नहीं है, ये जनसेवा का मामला है। एंड व्यापारिक समस्याओं की जहाँ तक बात है या व्यापारिक राजनीति की जहाँ तक बात है, तो बड़ी क्रिटिकल है ये। नॉर्मल पार्टियों की राजनीति नहीं है, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें राजनीति कम चलती है। एंड सेवा भावना से आपको अपना व्यापार, क्योंकि व्यापारिक राजनीति कौन कर रहा है? जो खुद व्यापारी है। तो आप अपने व्यापार को भी हैम्पर कर रहे हैं एट द सेम टाइम। आप अपने व्यापार में जो आपको समय देना था उस समय को निकाल के आप व्यापारिक समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि वो अगर जज्बा आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि ये राजनीति का बेटर वर्जन है कि उसके लिए वही लड़ रहा है जो मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं कि विक्टिम इज़ फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। दैट्स रियली नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति का बेटर वर्जन ना कह के मैं कहूँगा कि ये अलग किस्म की राजनीति है, जिसमें हम शब्द तो राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं ये व्यापारिक सेवा है।
हमारा आज भी मानना ये है कि अगर हमारी संस्था से ऋषिकेश में अगर 4000 व्यापारी है और हमारी संस्था से उसमें से अधिकांश व्यापारी जुड़ा हुआ है और उसने हमारे को चुन के भेजा है, तो मेरी ऑटोमेटिकली ये डे एंड नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैं जीतने के बाद, चुनाव में निर्वाचित होने के बाद, मैं हो गया या मेरे अध्यक्ष हो गए या कोई और पदाधिकारी हो गए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अब उसके लिए सबसे पहले जनसेवा, दूसरी परिवार सेवा, तीसरी व्यापार सेवा, ये करना पड़ेगा उसको, नहीं तो उसे इस मैदान में उतरना नहीं था। तो काम इफेक्टेड हुआ है इससे? होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, डिले हो जाता है, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़े हैं। पहले मैं लगभग 6-6:30 बजे फ्री हो जाता था अपने काम से, अब पिछले 2 साल से मैं लगभग 9 बजे के आसपास फ्री होता हूँ। सुबह मैं 11 बजे ऑफिस आता था, अब मैं लगभग 10 बजे ऑफिस आ जाता हूँ। तो पहले लंच ब्रेक होता था, अब लंच ब्रेक नहीं होता। लंच होता है लेकिन लंच ब्रेक नहीं होता, तो वो फ़र्क है। सो थोड़ा बैक में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं कि लाइक पढ़ाई और ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई हैं, क्या? जी, मेरी पढ़ाई जो प्राथमिक शिक्षा है वो ऋषिकेश में ही मुनि की रेती में ओंकारानंद सरस्वती निलयम के नाम से एक स्कूल है, OSN, वहीं से हुई है। मैंने अपनी इंटरमीडिएट भी वहीं से करी है। उसके बाद मैंने श्री अरबिंदो कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स में, और उसके पश्चात मैंने डिस्टेंस लर्निंग में MBA किया ऋषिकेश में रह के। एंड अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, विच वॉज इन 2007, मैं ऋषिकेश व्यापार करने के लिए वापस आ गया था। सो मतलब ये पहले से ही आपके माइंड में एक चीज़ थी कि लाइक मुझे बिजनेस फील्ड में आना है या ये? देखिए, जब आप कॉलेज में होते हो तो आप कई चीज़ें सोचते हो। मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो मेरे जो मित्र थे वो उत्तर प्रदेश से भी थे, नॉर्थ ईस्ट से थे, सिलीगुड़ी के कई मित्र थे मेरे, कुछ मित्र पंजाब से थे, एक दोस्त हरियाणा से था। तो हम लोगों का जो ग्रुप था उसमें हर कोई अलग अलग, सबकी एस्पिरेशंस थी आगे लाइफ को लेके। एंड समटाइम्स यू आर वेरी फोकस्ड, समटाइम्स यू आर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। आप ज़्यादा कन्फ्यूज अपने दोस्तों को देख के होते हो एंड फोकस्ड भी कई बार उन्हीं को देख के होते हो। तो उसमें मेरे मित्रों में अधिकांश मित्र अपने अपने पारिवारिक व्यापार में जाने वाले थे। एक या दो मेरे मित्र हैं जो मीडिया हाउसेज में हैं आज की डेट में, और एक मेरा मित्र IT के सेक्टर में है, वो लोग कर रहे हैं। बाकी अधिकांश अपने अपने फैमिली बिजनेस में जाने वाले थे। मेरे भी पिताजी की ये इच्छा थी कि मैं फैमिली बिजनेस में ही वापस आऊँ। तो जब मैं दिल्ली भी गया तो उनकी इच्छा ये नहीं थी कि, उनकी इच्छा थी कि ये पढ़े, आगे की पढ़ाई करे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि ये देहरादून में प्रोफेशनल कोर्स कर ले कोई। IMS था, DIT था, यहाँ पे ग्राफिक एरा से BBA कर ले। बट इवेंचुअली ये हुआ कि ऊपर वाले की कृपा से, हमारी मेहनत से कुछ नंबर इस किस्म के आ गए कि हमारा एडमिशन हो गया तो एक्सपोजर बेटर मिल गया हमारे को। बट ये निश्चित था कि आपने आके व्यापार ही करना है। व्यापार क्या करना है ये आपने चूज़ करना है, ये कभी ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको फैमिली बिजनेस में ही जाना है। अभी आपने एक बात कही कि नंबर अच्छे आ गए, अपॉर्चुनिटी मिली, एक्सपोजर मिल गया। अब ये बात दो तरह से है, या एक तो ये बात ये कह रहे हैं कि लाइक मुझे एक्सपोजर मिल गया है, एक ये इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि यहाँ भी एक्सपोजर की बहुत कमी है। नहीं, मैं इसमें डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश ही एक ऐसा नगर है जहाँ पे एक किस्म का कॉस्मो कल्चर है। अब संजय जी, मेरा मानना है कि आप कॉस्मो कल्चर समझते हैं। ऋषिकेश जैसे शहर में, जो कि एक धार्मिक नगरी है, देवभूमि की बहुत इम्पोर्टेंट एक अपना दिल बोल सकते हैं इसे, उत्तराखंड का दिल है ऋषिकेश, गंगा का किनारा है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग विदेशों से, पूरे भारत से आते हैं। जो भी इस शहर में आ रहा है कुछ ना कुछ देके जा रहा है। यहाँ पे हम बात इकोनॉमिक्स की ना करके संस्कृति की भी बात करें तो कुछ ना कुछ देके जा रहा है और कुछ ना कुछ लेके जा रहा है। अडेप्टेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो इसलिए कॉस्मो कल्चर होने की वजह से एक्सपोजर की कमी नहीं है। मैं जो एक्सपोजर वहाँ 3 साल में लेके गया आया, वो पिछले 16 साल के व्यापार में वो 100 गुना हो गया। वो व्यापार सारा मैंने ऋषिकेश में किया। वो एक्सपोजर इस किस्म का था कि मैं लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूँ। देखिए, जो मेरी 2004 बैच का हूँ मैं,
सन 2004 बैच का आईसीएसई का ओंकारानंद से मैंने जब इंटरमीडिएट करी, तब के इंटरमीडिएट के बच्चे में और 2007 के इंटरमीडिएट बच्चे के बच्चे में उसी स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो दैट हैज़ समथिंग टू डू विद द टेक्नोलॉजी। इनपुट क्या है, मतलब वो इनपुट क्या मिल रहा है बच्चे, क्या मिल रहा है एक्चुअली, कि वो इनपुट क्या मिल रहा है, वो उसकी अडेप्टेशन किस तरीके की है, फैमिली की अडेप्टेशन किस किस्म की है, कितने लिबरल हम हो रहे हैं बच्चे की तरफ, उसकी पढ़ाई की तरफ, वो अपने आप में एक एक्सपोजर है। हम जब यहाँ से बाहर निकलते थे तो इंडिपेंडेंस वॉज मोर टू डू विद एक्सपोजर, कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डॉक्टर पे पापा नहीं लेके जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। तो मेरे को लगता है ये वाला एक्सपोजर जो था वो उस एक्सपोजर की, मैं इनिशियल फर्स्ट ईयर में उस एक्सपोजर की बात कर रहा था कि खाने पे मम्मी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो मर्जी आएगी वो खाएंगे, या खुद का ध्यान खुद रखेंगे, अपने कपड़े इस्त्री के लिए खुद देंगे, कपड़े धोएंगे खुद, कॉलेज खुद जाएंगे, कभी बस से जाएंगे तो कभी ऑटो से जाएंगे, कभी पैदल भी चले जाएंगे, ये सब केयर फ्री। इंडिपेंडेंस का वो एक पार्ट था जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एजुकेटिंग भी था, आप बहुत कुछ सीखते हैं और खुद उस अम्ब्रेला से बाहर आते हो तो आपको धूप भी लगती है, छांव भी लगती है। फिर अचानक से जब आप बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस बेसिकली मेरे को जहाँ तक मालूम है एडवेंचर का शायद। देखिए, हम लोगों का जो फैमिली बिजनेस रहा है वो ऑटोमोबाइल्स का रहा है। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो हमारे दादाजी ने शुरू किया था, तो ऋषिकेश में काफ़ी पुरानी तीन ऑटोमोबाइल्स की दुकान होती थी। एक थी कालिया ब्रदर्स, एक न्यू शर्मा ब्रदर्स, अगर आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं तो ये है बाबा काली कमली में, और एक फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स। तो ये हमारे दादाजी, उनके भाई दोनों जो ऋषिकेश आए थे, दादाजी पहले आ गए थे। लेकिन आए कहाँ से थे ये? हम लोग जलंधर नूर महल के थे। आपके रूट जलंधर डिस्ट्रिक्ट नूर महल से हैं, बट हम लोग आ गए थे अराउंड 43 या 44 में, मुझे बिफोर इंडिपेंडेंस आ गए थे, मूव कर गए थे, आधी फैमिली वहीं थी हमारी, आधी यहाँ आ गई थी। अभी भी लोग हैं वहाँ पे? हाँ, पंजाब में भी है, इधर आपका तराई के क्षेत्र में भी है, उत्तराखंड में। ओके, उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में तो एक्सटेंडेड फैमिली है हर जगह। तो वहाँ से जब आए तो उन्होंने इनिशियली, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि गवर्नमेंट जॉब्स करते थे, क्योंकि मेरे परदादा जी भी जो थे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, परदादा जी तो वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। एंड देन इनिशियली जैसे ऋषिकेश भागे आए, या वो कहते हैं ना जो गंगा के पास, जिसने गंगा का जल एक बार ले लिया ऋषिकेश से, उसे वापस आना पड़ता है। तो ऋषिकेश ही सेटल हुए, फिर अपने ब्रदर्स को भी लेके आए ऋषिकेश, तो ऑटोमोबाइल्स का हमने काम शुरू किया यहाँ पे। तो जब मैं आया तब वही बिजनेस था हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करना है वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन कि फैमिली बिजनेस करना है, तो मेरे पास एक चॉइस थी कि आपको क्या करना है। एंड अधिकांश मैं देखता हूँ जितने भी युवा हैं वो फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहते आज की डेट, वो कहते हैं मैं कुछ खुद पढ़ लिख के आया हूँ, मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। मतलब वो इंटरप्शन नहीं झेलते ना। अब पिताजी को तो मालूम है ना कि भाई अगर ऑटोमोबाइल में है तो कौन सा नट कहाँ रखा है वो पता है। तो मतलब थोड़ा सा इससे बाहर निकलना तो करने क्या है कि मतलब नहीं देखिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, जो हमें वो सिखा सकते हैं वो हमें कोई नहीं सिखा सकता है। बट इवेंचुअली डेस्टिनी प्लेज इट्स ओल रोल। मैंने ट्रैवल ट्रेड की तरफ जाने का मन बनाया, क्योंकि ऋषिकेश में .com बूम जिसे हम बोलते हैं सन 2000 के बाद, तो हाँ 2000 के बाद, उसके बाद एक एडवेंचर टूर्स को लेके ऋषिकेश वॉज बिकमिंग अ मोर पॉपुलर डेस्टिनेशन। एक इंडिया के मैप में ऋषिकेश और बड़ा होता जा रहा था, तो मुझे भी लगा कि हाँ ऋषिकेश में ट्रैवल ट्रेड में कुछ काम करना चाहिए। तो हमने पहले लक्ष्मण झूला में एक गेस्ट हाउस बनाया, उसके बाद मैं एडवेंचर टूर्स की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हुआ तो एक कैंप साइट रन करी सिंगटाली में, बीच कैंप, रिवर राफ्टिंग के बिजनेस में आया। फिर कुछ समय बाद एक कैंप साइट और बनाई कानाताल में, फिर एक कैंप साइट शिवपुरी में बनाई। तो धीरे धीरे उसमें मज़ा आने लगा, उस काम को करने में वो पैशन बनता गया। ट्रैवलिंग इज समथिंग जो मुझे लगता है सब लोगों को पसंद होती है, एंड जब आप यंग होते हो और आपको ट्रैवल करने को मिले और वही आपका बिजनेस बन जाए तो उससे बेटर क्या है। ट्रैवल पर आप आए, लेकिन जब हम ट्रैवल को देखते हैं, स्पेशली जिस दिन हम यहाँ पे अभी शूट कर रहे हैं, ये कल वीकेंड है,
एक्सटेंडेड वीकेंड है कल, मतलब आपका अंबेडकर जयंती थी, छुट्टी थी, आज छुट्टी है। और मार्केट ऑलमोस्ट, अगर ट्रैफिक अगर हमें देखा, थोड़ी देर पहले का ट्रैफिक देखते तो बिल्कुल चौक था। आपको लग नहीं रहा है कि लाइक एक अन एक मतलब शैटर्ड ट्रैफिक है यहाँ पे, या बिल्कुल मैं इसमें डिफाइंड ट्रैफिक नहीं है? ट्रैवल ट्रेड के इंडिविजुअल की तरह आपको जवाब दूं या पसंद करेंगे एक व्यापारी की तरह? मैं थोड़ा सा कुछ और मंडल की तरीके मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दूं? हाँ प्लीज प्लीज। मुझे लगता है कि अगर ये गाड़ी यहाँ से लक्ष्मण झूला नहीं पहुँच पा रही है तो आई थिंक ये बिजनेस तो देगी, लेकिन उतना एक मतलब जो आने वाला ट्रैवलर है उसको वो संतुष्टि नहीं दे पाएगी जिसके लिए ऋषिकेश जाना जाता है। आप शांति के लिए ऋषिकेश आते हो, आप एक एडवेंचर के लिए ऋषिकेश आते हो, गाड़ी में बैठ के दुकानें झांकने तो शायद कोई नहीं आता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल जायज। अब आप मुझे दोनों तरह से आंसर दे सकते हो। पहले मैं एक ट्रैवल ट्रेड के, जो मेरा अपना व्यवसाय है, ट्रैवल ट्रेड के बंदे की तरह आपको जवाब देता हूँ। देखिए, हमें ना एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, एक होता है ट्रैवलर, एक होता है टूरिस्ट। जब हम इस तरह के समर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऋषिकेश में अगर मान लीजिए 20,000 ट्रैवलर आ रहा है और 80,000 टूरिस्ट आ रहा है, तो उसमें फ़र्क क्या है? वो जो 20,000 ट्रैवलर जिसे हम बोलते हैं, वो प्लानिंग से आता है। उसने अगर 14 तारीख को निकलना है तो 4 अप्रैल को उसकी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, उसे पता है उसने किस समय निकलना है, किस होटल पे पहुंचना है, वो सारा रिसर्च करके आएगा, उसे बोलते हैं ट्रैवलर। जो टूरिस्ट होता है वो आपकी मेरी तरह इस चर्चा में बैठा है, चर्चा ख़त्म होगी, चाय पिएगा, कहेगा भाई चल कल चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चोपता चलते हैं। हमने कोई रिसर्च नहीं करी, हमने ये चेक नहीं किया कि इन दिनों में कितनी भीड़ होती है, कैसा मौसम होता है, किस तरह के ट्रैफिक रूट्स होते हैं। आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, मेरे ख्याल सब लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। आप घर बैठ के, मैं इस समय पे अगर मेरे को चंडीगढ़ निकलना है तो मैं गूगल मैप खोलूँगा और देखूँगा अगर मैं इस समय पे निकल रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम मिलेगा। मैं उसके बाद अगर मेरे को सुबह 6 बजे निकलना है, मैं 6 बजे चेक कर लूँगा मेरे को कितना टाइम निकलेगा, उसके बाद मैं अपनी ट्रैवलिंग प्लान करूँगा, तब मैं एक अच्छा ट्रैवलर हुआ। तो वो मैं मानता हूँ कि टूरिस्ट को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप ट्रैवलर बने, आप प्लान करके आएँ। आप प्लान करके आएंगे तो आपका वेकेशन, आपका समय और आपका पैसा जो है उसको आप बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ऋषिकेश में यहाँ के लग रहा है भीड़ देख करके कि मतलब बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो जो फ़ायदा किसी को भी होना चाहिए, मतलब जो यहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा होना चाहिए, यहाँ के बाकी जो यहाँ का एक सिस्टम है शहर का, जो शहर को जिंदा रखता है, वो सिस्टम अननेसेसरी इफेक्ट होता है, शहर का इको सिस्टम बिगड़ता है, पे इफेक्ट पड़ता है इसका डायरेक्ट। मैं मान रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। आप एक जवाब और देने वाले थे मुझे, एज अ लीडर आप क्या देखते हैं इसको? लीडर तो नहीं, बट हाँ, व्यापारिक प्रतिनिधि के तौर पे मैं देखता हूँ। हाँ, डेफिनेटली हमें इस चीज़ का नुकसान होता है उसमें, ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों चीज़ें जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की ज़रूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन एक कॉस्ट पर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट पर नहीं किया जा सकता। बहुत आसान है किसी के लिए कहना कि आप सड़कें चौड़ी कर दीजिए, हम भी बोलते हैं कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन सड़कें चौड़ी हो तो फिर अधिकांश नहीं पूरे रूट की होनी चाहिए। जो ऋषिकेश में रहने वाले लोग हैं, अगर उसमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि हम इसको, इस हरिद्वार रोड को और हमारा जो ये आगे आप देख रहे हैं मंडी वाला क्षेत्र है चंद्रभागा तक, इसे चौड़ी कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि चंद्रभागा पुल के आगे जो NH का काम हुआ है वो फाइनल हो चुका है, वो 40 फुट की सड़क है, बॉटलनेक तो फिर भी रहेगा। यहाँ पे एक बारी में अगर 20 गाड़ियाँ निकलेंगी तो वहाँ पे तो वो 8 को ही अकोमोडेट कर पाएंगे ना उस सड़क पे। बॉटलनेक तो क्रिएट हो गया, भैरव मंदिर वो बन चुका है। इसलिए एक अल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, लेकिन वो अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। वो अल्टरनेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, घुमानी वाला जो हमारा फोक बनता है ना श्यामपुर चौकी से, वहाँ से 120 फीट की सड़क जो है वो पास हो चुकी है, वो एक ऑल्टरनेट ऑलरेडी। हाँ, ऑफकोर्स देखिए, चेंज होता है तो समय लगता है उसको बनने में। अभी डिमार्केशन हुई है, डिमार्केशन के बाद लोगों को, अगर किसी की कमर्शियल लैंड या वो उसमें जा रही होगी, गवर्नमेंट एक्वायरिंग में जा रही होगी, तो उसके रीइंबर्समेंट्स आएंगी, वो सारा प्रोसेस है, वो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन वो एक बाईपास निकल के आ रहा है। उसमें हमें एक चीज़ और सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे
जो हमारी सड़कें हैं ये जितना प्रेशर ले सकती हैं उतना ले रही हैं और व्यापार में ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर इतना चलता रहे। ट्रैफिक जो बाहर जाने वाला ट्रैफिक है, जो कि आपका तपोवन की तरफ जाना है, चारधाम यात्रा की तरफ जाना है, मुनि की रेती जाना है, उसको शहर में अगर हम पूरी तरह से एंटर कराते हैं, देखिए जिसने गंगा आरती के लिए आना है वो आ रहा है, उसको आपको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिसर्च करके आ रहा है, लेकिन जिसने जाना ही तपोवन है वो इस ट्रैफिक में रुक के ऋषिकेश में कोई बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा हमारे शहर को नहीं दे रहा है। वही मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगी, अगर 100 गाड़ियाँ निकलती हैं वीकेंड पे यहाँ से, तो 100 में से मुझे लगता है कि 50-60 गाड़ियाँ HR UP दिल्ली एंड चंडीगढ़ नंबर है, पंजाब नंबर है, और जो मोस्टली क्या है कि जो यहाँ रुकेगा नहीं उसमें से अधिकांश नंबर जो है लक्ष्मण झूला, और उनके लिए ऋषिकेश वही है। जिस तरीके से ऋषिकेश को मार्केट किया गया है, ऋषिकेश एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसमें मार्केट मुनि की रेती को और तपोवन के क्षेत्र को किया गया कि वो भी ऋषिकेश है, तो जब गेस्ट आपका आता है तो उसको आप वहाँ पे जाएं, आप किसी भी टूर ऑपरेटर का एड्रेस ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो मुनि की रेती के बाद उसने कॉमा लगा के ऋषिकेश लिखा हुआ है, जबकि वो टिहरी है, वो टिहरी है, उसका पोस्टल कोड अलग है, लेकिन ऋषिकेश लिखा हुआ है। उसके बाद आप गौर करेंगे तो जो पोस्टल कोड डाला हुआ है उसने अपना, वो 249201 ही डाल रखा है, वो डाक यहीं आती है उसकी, इतना बड़ा डिफरेंस है, वो प्रमोट ही उस तरीके से किया गया, तो उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बट उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत लोगों की। वो है कि इसको अगर एक जिला क्रिएट कर दिया जाए, ऋषिकेश के नाम से एक जिला बना दिया जाए, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चरली भी। एक और चीज़ मैं जैसे यहाँ पे कि इतना बड़ा हमारे यहाँ एक व्यापारिक पूरा एक और मतलब गतिविधि होता है जिसमें पहाड़ का भी बहुत सारा व्यापार जो है वो ऋषिकेश से चलता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ बाहर इन लोगों को रोक करके जो टूरिस्ट है उसको बाहर ऋषिकेश की बाउंड्रीज के बाहर शहर में ना घुसा के वहाँ पार्किंग या इस तरह की सुविधाएँ दे करके ऋषिकेश में लोकल जो एक हमारा व्हीकल सिस्टम है, एक जो अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको मजबूत करके और उस पर इन लोगों को ट्रैवल कराया जाए, तो आपको नहीं लगता कि एक बेहतर सॉल्यूशन मिल पाएगा इस प्रॉब्लम का? हाँ, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं इसकी भी वायबिलिटी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फिल्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि किस तरीके का टूरिस्ट आ रहा है उस पर बहुत सारा आज की डेट में टूरिस्ट आता है जो खुद ड्राइव करके आ रहा है या शॉफर ड्रिवन गाड़ी में आ रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं करना चाहता, वो कहता है मेरे को अपनी गाड़ी से 1 घंटा फालतू लग जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ पर, लेकिन मैं अपनी गाड़ी पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाऊँगा वहाँ तक और फिर वापस भी अपनी गाड़ी लेने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वापस आऊँगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है टूरिस्ट के लिए। लेकिन बहुत सारे शहरों में ऐसा है भैया जहाँ पे मतलब भीड़ को कंट्रोल करना, मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत सारे शहरों में ऑटोमेटिकली होता है कि या आप जैसे मैं रिसेंटली अभी शिमला विजिट किया या हम नैनीताल जाते हैं या मसूरी जाते हैं, मॉल रोड है और ऐसी रोड है जहाँ पे मतलब जहाँ पे व्हीकल नहीं है, अलाउड ही नहीं है, है ना? तो ठीक है, अगर क्या हम ये जो स्पेशली जो मार्केट वाला सेक्शन है अगर आप देखेंगे तो इसमें तो कुछ जोन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे व्हीकल फ्री हो। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह, लेकिन उसके लिए कुछ काम है जिस पे अब सरकार ने काम करना शुरू हुआ है। इनिशियली पार्किंग व्यापार की दृष्टि से भी, व्यापार की ही दृष्टि से बोलेंगे, जब टूरिस्ट भी आ रहा है वो भी व्यापार ही है ना, लोकल लोगों के लिए तो व्यापार ही है ना, हम लोगों के लिए तो व्यापार की दृष्टि से पार्किंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप की सारी गाड़ियाँ जो है अब होटल में 50 रूम्स हैं, 50 गाड़ियाँ खड़ी होने की पार्किंग है, लेकिन उसके अलावा उनके जो अपना 50 अगर रूम्स हैं, इन्वेंट्री 50 की है, तो उनके पास स्टाफ भी तो करीब 70-80 लोगों का है, उनकी भी तो गाड़ी घोड़ा है, वो कहाँ जाएगा? पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, और पार्किंग का मुझे लगता है बहुत स्पीड से काम, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आया था कि नगर निगम की तरफ से प्रस्ताव पारित हो गया और अब शहरी विकास मंत्री भी हमारे ही हैं, हमारे शहर के नगर के ही हैं, क्षेत्रीय विधायक श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। मुझे लगता है अब स्पीड पकड़ेगा ये काम और ये काम अगले 1-1.5-2 साल में हमारे को धरातल पर दिख जाएगा, और वो हो जाता है तो जो सजेशन आप दे रहे हैं
मुझे लगता है वो बहुत अच्छा सजेशन है जिसपे काम किया जा सकता है, बट जब तक पार्किंग नहीं है अब गाड़ियां कहाँ खड़ी करवाएंगे सर? चार इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की, चार। देखिए एक हो गया राष्ट्र, मोदी जी, धामी जी, धामी जी, चार नहीं सर पांच बोलो, मोदी जी, धामी जी, अग्रवाल जी, बमगाई जी, और बिजनेस के लिए तो कालिया जी भी है ना। हम तो देखिए सरकार हमारी भाजपा की है या कांग्रेस की है, हमारे को तो व्यापारियों की लड़ाई लड़नी है। कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता है अगर आप किसी राजनीतिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और आप व्यापारिक दृष्टि से उसको देखें, व्यापारिक समस्याओं को अगर आप उस राजनीतिक दल की सरकार है तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खुलता है, आपकी बात और अच्छे से सुनी जाती है। लेकिन यहाँ तो बड़ी खींचतान दिखती है बीच में। किसमें? मतलब नगर निगम में और विधायक की में बड़ी एक अजब खींचतान रहती है, जिस खींचतान पे लगता है कि आप कैसे मैनेज करते हो सर? देखिए हमारी समस्याएं जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हमारी अगर लोकल टैक्स से संबंधित समस्या है तो हमारे को नगर निगम के पास जाना है, जिसमें हमारे को बहुत अच्छा योगदान हमारी महापौर श्रीमती अनिता ममगई जी का मिलता है और पहले भी मिला है। ट्रेड लाइसेंस के लिए अगर जाना है तो हमारे को श्रीमती अनिता ममगई जी के पास जाना है। मेरा मंडी समिति का अगर कोई इशू है तो मेरे को हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे क्षेत्र विधायक श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास जाना है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मुझे लगता है हमारे दोनों जो जनप्रतिनिधि हैं वो व्यापारियों को लेके सजग हैं, व्यापारियों की समस्याओं को लेके सजग हैं और वो कहीं ना कहीं जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उससे 10% 20% आगे जाके ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैं आज ही का उदाहरण देता हूँ, आज सुबह हमारा मंडी समिति का 2016 का, मंडी समिति नहीं थोक मंडी जो है हमारी बड़ी मंडी जिसे हम बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा 2016 से विवाद चल रहा है, 2016 के उससे पहले से चल रहा है, बट 2016 के कुछ मिनट्स हमारे हाथ लगे हैं आज, तो उनकी किराएदारी को लेकर जिसमें एक मध्यस्थता हुई थी उस समय डिपार्टमेंट की और व्यापारियों के बीच में, और वो सब होने के बाद कुछ मिनट्स जारी हुए थे जिसमें तय हुआ था कि 5% एक्स्ट्रा एरियर्स जो लगा रखा है पिछले 10 या 12 साल से वो सब वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। हमारे व्यापारी किस छुरी के नीचे रहता है कि जून का महीना है, लाइसेंस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये बोलेंगे आरसी काट रहे हैं तुम्हारी, तुम पैसे जमा करो। उसका बेनिफिट कहाँ मिलता है अगर आप ही के दल की सरकार है तो? हम गए, हम जाके माननीय कृषि मंत्री जी से मिले, उनको हमने बात बताई, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात समझी। हम अपने क्षेत्रीय विधायक हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से मिले आज जाके, उन्होंने भी माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, कृषि मंत्री से बात करी, एंड मुझे लगता है 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि रिजल्ट निकल जाएगा। और बहुत बड़ी समस्या थी ये, हम जब बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 140 लोगों की ये समस्या है तो वो 140 लोग नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उस 140 परिवार हैं पहले तो, उसके बाद उन 140 दुकानों में जो लोग काम करते हैं, 4-4, 5-5 लोग, उनके भी परिवार हैं। तो हम यहाँ पे करीब बात कर रहे हैं 600 परिवारों की, जब हम 600 परिवारों की बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बात कर रहे हैं 3,500 लोगों की, 3,500 लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ अगर कोई काम किसी के माध्यम से, हम लोगों की मेहनत से, व्यापार मंडल के प्रयास से और सरकार के सहयोग से और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी है उनके भी सहयोग से अगर वो हल होते हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। एक और चीज़ प्रतीक जी जो यहाँ पे मोस्टली देखने में आती है, ऋषिकेश शहर जो था या जो मतलब आप देखते हो इसको, जो बेसिकली जो ये वाला हब है, ये एरिया है, अगर मैं डिग्री कॉलेज से पहले की बात करूं और मैं बात करूं अपना चंद्रभागा पुल तक के, जो पुराना शहर है, जो रूट है शहर का, ओल्ड ऋषिकेश कह सकते हैं, ज़्यादातर दुकानें ऐसी हैं जो 50 साल 60 साल से पुराने कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड हैं, ज़्यादातर बिजनेस लोगों का ऐसी दुकानों पे हैं। एज अ बिजनेस लीडर आपको क्या लगता है कि और क्या आप लोगों की ऐसी पॉलिसीज़ हैं इसको लेकर के? पहले तो खतरा है भाई, इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है, इतनी पुरानी चीज़ें हैं, डेवलप नहीं हुई हैं, उनको मजबूती नहीं दी गई है, और अगर वो छोड़ के जाएं भी उस जगह को
तो भैया दूसरी जगह जमाना और ये करना, इसको लेकर के कोई पॉलिसी है अभी? या ये दो सवाल हैं, ये मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूँ। पहले तो कि अधिकांश दुकानें जो हैं वो 50-50 साल पुरानी हैं। हमें समझना पड़ेगा, जहाँ से हमने हमारी वार्ता शुरू करी थी आपने और मैंने, ऋषिकेश एक धार्मिक नगरी है। तो ऋषिकेश के अंदर दो बहुत बड़े ट्रस्ट हैं, एक है बाबा काली कमली, एक है श्री पंजाब सिंह छेत्र। हमारा जो अधिकांश बाजार है ये इन ट्रस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बसा हुआ है। सामने दुकानें हैं सारे बाबा काली कमली, बाबा काली कमली है। आप मुखर्जी मार्ग पे जाएंगे आपको पंजाब सिंह छेत्र है, फिर आप छेत्र रोड जाएंगे बाबा काली कमली है, मेन बाजार है वो अलग है, भरत मंदिर की दुकानें हैं वहाँ पे, ये सब धार्मिक संस्थान हैं, कोई धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब वो धार्मिक कार्य चलाएंगे कैसे? वो चलाएंगे किराए से, जो उनको किराए मिलते हैं उनसे वो गौशालाएँ चलाते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। तो वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि वो ऑलरेडी 50-50 साल पुरानी, 40-40 साल पुरानी जो हमारी फर्में चली आ रही हैं ऋषिकेश में, वो वहीं पे बसेंगी। क्योंकि ये नए मार्केट्स का जो चलन हुआ है कि रेलवे रोड पे नई मार्केट बन जाए, तिलक रोड पे बन जाए, ये मुझे लगता है पिछले 20 साल में हुआ है। लेकिन ऋषिकेश का बाज़ार जो है वो लगभग 60-70 साल पुराना है। तो ये एक नया ट्रेंड है। इसकी वजह से एक बेनिफिट जो हुआ है कि अब सारा लोड जो पहले शहर के बीचों बीच था, अब वो कहीं ना कहीं बटा है, कुछ नटराज की तरफ बटा है, कुछ आप देखेंगे इधर की तरफ भरत विहार की तरफ भी लोग मूव कर रहे हैं, जिनके बड़े वेयर हाउसेज वगैरह हैं, आपका इधर कचहरी की तरफ बढ़ रहा है डिपेंडेंसी। अब रेलवे रोड एक अच्छा मार्केट हो गया है डेवलप, कॉम्प्लेक्सेज आने से, कई कॉम्प्लेक्सेज हैं वहाँ पे, आपका ये हो गया तिलक रोड, तो हो रहा है उस तरीके का भी मॉडर्न डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन ये हमारा ओल्ड स्कूल बिजनेस करने का जो ऋषिकेश का तरीका था वो होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे आपके सवाल पे कि बिल्डिंग्स पुरानी है उसमें नहीं हो रहा है। हमारे संज्ञान में अभी तक संजय जी ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं आया है कि जहाँ पे बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से किसी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया हो कि बिल्डिंग पुरानी। यूजुअली आपको पता है इट्स अ प्रोसेस कि 70 साल या 80 साल का कंस्ट्रक्शन होने के बाद नोटिस आ जाता है आपके पास कि आपको इसे रिवैम्प करना है या इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने। तो उस तरह का कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है। और दूसरा मैंने देखा है कि जितने भी व्यापारी हैं आप अगर उनकी दिखाने देखें तो कुछ की अगर बहुत पुरानी भी है तो उन्होंने अच्छे आर्किटेक्ट्स की मदद से गार्डर वगैरह लगा के मजबूती पूरी है। क्योंकि देखिए इसमें सेफ्टी व्यापारी की भी, उपभोक्ता की भी और आपके स्टाफ की भी, सबकी सेफ्टी प्रायोरिटी है। व्यापार तभी करोगे जब जीवन है तो व्यापार है ना। अब हमारे यहाँ व्यापार जो है वो सिर्फ मतलब जो कंजप्शन की चीज़ें हैं उनका नहीं है। हमारे यहाँ हम देखें तो हमारा व्यापार जो है बहुत हद तक हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं या रिचुअल जो हमारे हैं हमारे धर्म के, उस पर बहुत ज़्यादा टिकता है। गंगा आरती एक बड़ा अट्रैक्शन है उस व्यापार को लेकर के। कैसे सोचते हैं कि कैसे रिवाइव होगा, क्योंकि हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखते हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल देखें तो अमिताभ बच्चन शहर में थे, लेकिन क्या वजह होती है कि हम लोग अमिताभ बच्चन को त्रिवेणी घाट गंगा आरती में नहीं उतार पाते हैं, जबकि वही अमिताभ बच्चन ऋषिकेश, जो आपने कहा था कि कोमा के बाद ऋषिकेश लगता है, वहाँ पर गंगा आरती में पहुँचते हैं। अब दैट मीन अमिताभ बच्चन का उनका एक वो तो था कि हाँ मुझे गंगा आरती में जाना है। देखिए संजय जी, मैं कहूँगा इसका बेटर जवाब आपको देंगे अमिताभ बच्चन जी। लेकिन जहाँ तक बात है कि अट्रैक्शन गंगा आरती, मुझे लगता है आज की डेट में बिना नाम लिए मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे क्षेत्र में सबसे बढ़िया अगर गंगा आरती हो रही है तो वो गंगा सभा की हमारी त्रिवेणी घाट पर हो रही है, ये कोई भी बोल सकता है आँख बंद करके। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि गंगा आरती नहीं, अब जो वो थोड़ी सी गंगा आरती करने का जो तरीका है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, गंगा आरती हो रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। आप देखिए, आप शाम को जब गंगा आरती छूटती है, अभी 6-7 बजे गंगा आरती हो गई होगी, यही समय है गंगा आरती छूटी होगी, लोग प्रसाद ग्रहण करके निकल रहे होंगे। आप घाट रोड पे, आप और मैं पैदल चलते हैं, अभी पैदल का जाम, और हम ऊपर नाभा हाउस की तरफ सुभाष चौक की तरफ चलते हैं, पैदल का जाम, हम इधर से जयराम आश्रम वाली सड़क से आते हैं, पैदल का जाम, वो किस वजह से? वो सिर्फ गंगा आरती की वजह से। तो उससे व्यापार भी बढ़ रहा है,
कोई डाउट नहीं है इस बात में। और गंगा आरती सबसे बड़ा अट्रैक्शन अब बन गया है ऋषिकेश का। जैसा मैंने कहा कि मुनि की रेती को भी लोग ऋषिकेश ही बोलते हैं, रामझूला को भी ऋषिकेश ही बोलते हैं, लेकिन ऋषिकेश ये है। इसमें एक चीज़ और है कि मतलब हम ऋषिकेश में आरती बहुत जगहों पर होती है, लेकिन इतने बड़े क्राउड को अगर एक जगह पर समेट पाना तो उसके लिए स्पेस और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हद तक त्रिवेणी घाट पे जो गंगा आरती होती है वो उसको पूरा करती है, वो उसको पूरा कर सकता है। इसमें हमारे द्वारा भी एक सुझाव दिया गया था। हमारे द्वारा जो सुझाव दिया गया था वो थोड़ा अलग था। हमने जो व्यापार मंडल की तरफ से सुझाव दिया था वो ये था कि गंगा आरती के लिए जो फोर व्हीलर्स जाते हैं आप उनको डाइवर्ट करिए, यहाँ से अपना चंद्रभागा पुल से मायाकुंड की तरफ उतारिए और जो मायाकुंड वाला रास्ता है पीछे सीढ़ियों का, उधर आप पार्किंग की व्यवस्था बनाइए, प्रशासन वहाँ पे बनाए पार्किंग की व्यवस्था, फोर व्हीलर्स वहीं से जाए, फोर व्हीलर्स की एंट्री यहाँ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और टू व्हीलर्स जाए यहाँ से। टू व्हीलर्स में भी वन वे प्लान हो जिसमें कि जो चौक पॉइंट होता है वो वाला होता है आपका सिंधी धर्मशाला और जयराम आश्रम के लिए जो चढ़ते हैं वो चौक जो है वो चौक उसके आगे चौक पॉइंट है। आप उससे पहले, हमारे एक व्यापारी हैं पूर्व अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के श्री संजय व्यास जी, तो उन्होंने प्रयास करके बड़ा बाजार की पूरी पार्किंग प्रशासन को दे दी थी कि टू व्हीलर की आरती के समय पर आप पार्किंग इस्तेमाल करिए, जो कि एक बहुत बड़ा नहीं करते लोग आगे बढ़ के इतना बड़ा सहयोग, उन्होंने वो दे दी थी कि आप टू व्हीलर वहाँ खड़ा कराइए, उसके आगे लोग पैदल जाएंगे, आपको घाट तक भी टू व्हीलर लेके जाने के लिए। देखिए वीआईपी मूवमेंट है ऋषिकेश में, वीआईपी को पैदल चलाना डिफिकल्ट होता है, बोलना आसान होता है कि वीआईपी क्यों फैसिलिटीज़ यूज़ करें, लेकिन वीआईपी की जान की भी कीमत है, वीआईपी के समय की भी कीमत है, ये हमें भी समझना चाहिए ये बात। तो खाली वीआईपी पार्किंग बना दो ना उसको, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट एक्चुअली अब आप देखेंगे अब ऋषिकेश का जो समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हुआ है और आप प्रशासन को देखेंगे कि रोज प्रशासन के कुछ लोग वीआईपी ड्यूटी में लगे रहेंगे, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो आपका तहसील वाले हो, सिविल के हो, वो डेली किसी ना किसी वीआईपी की ड्यूटी पे रहेंगे ही रहेंगे। तो आप उसको वो कर दो और इसके बारे में टाइम टू टाइम हमारी थाने में मीटिंग भी होती रहती है, इसमें सीओ साहब भी रहते हैं, थाना अध्यक्ष जी भी रहते हैं। अभी रवि सैनी जी से एक मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने व्यापारी प्रतिनिधि जो हैं उनको बुलाया था, हम लोगों के साथ वार्ता करी थी, ये सारी बातें रखी गई थी एंड बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। कुछ कमियां तो देखिए हर चीज़ में रह जाती हैं, कमियां नहीं रहेंगी तो दोबारा बैठेंगे कैसे और उसे इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे। अब एज अ विजन, मतलब ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एज अ विजन क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो एज लीडर ऑफ मतलब जो आपका व्यापार है उसके प्रतिनिधि मंडल के एक लीडर होने के नाते आपकी लिस्ट में कि यार अभी इतना टाइम हो गया ये चीज़ें मैंने कर ली हैं ये अभी बाकी हैं? ये तो ये मतलब एक साल हो चुका है हमारे कार्यकाल को, दो साल और हैं, ये तो जब तीन साल होंगे तब बैठ के मंथन किया जाएगा कि क्या हमने ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया। अभी तक मुझे लगता है कि शायद मैंने जितना एफर्ट किया है वो ईमानदारी से किया है और इसमें कोई अहम वाली बात नहीं है, ईमानदारी से किया, प्रयास किया है, कुछ काम हुए कुछ नहीं हो पाए लेकिन प्रयास में पूरी ईमानदारी थी, अपनी कोशिश में पूरी। अभी जो जो मतलब जो इमीडिएट अब होने वाले काम है जिनको आप ये कहोगे कि लाइक ये मैंने सोचा था ये किया है या ये मेरा प्रॉमिस था ये मैं कर रहा हूँ? देखिए मेरे को दो काम, मेरे पूरे तीन साल के दो काम, ये डे टू डे काम है जो हम कर रहे हैं, ये तो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, दो काम जो एजेंडे बनाए थे अपने चुनाव से पहले। मैं इसको ना एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, मैं उन्हीं कामों की बात कर रहा हूँ जो इस पे प्रदीप कालिया का सिग्नेचर हो, वह उसकी बात, रोज का काम तो सब करते हैं ना, प्रदीप कालिया को तीन साल बाद लोग क्यों याद करेंगे कि हाँ भाई ये काम उन्होंने करवाया था। मैं उसी पे आ रहा था, दो काम, एक तो व्यापारियों का बीमा, सारे व्यापारियों का, हर दुकान का 2 लाख का बीमा, ये किसी भी हाल में सरकार के प्रोविजन में लेके आना ही आना है, इसका पूरा प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर, ऋषिकेश को ट्रांसपोर्ट नगर की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्ट नगर अगले 2 साल में मिलना चाहिए, ये इसका भी पूरा प्रयास करेंगे और इसमें मैं बताऊँ अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ा तो भी करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए ऋषिकेश को। अगर ऋषिकेश में फॉरेस्ट हटा के रेलवे स्टेशन आ सकता है, ऋषिकेश की शान बड़ी है इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन आए, तो ऋषिकेश को एक ट्रांसपोर्ट नगर की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट नगर बनते ही आप देखेंगे ऋषिकेश की मेजर ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक बात अमूमन जो मैं आपसे कई बार
उसका जिक्र भी किया, कई बार इस पर बात हमारी हुई भी है। बिजनेस का एक पार्ट है जिसको, जिसमें अब स्पेशली यंग लोग आगे आ रहे हैं और अब तो उस पर बहुत सारे लोग बात करने लगे हैं। डाउन द लाइन 5 साल या 7 साल 10 साल पहले तो लोग उस चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन अभी अवेयरनेस बढ़ी है, लोग बात करते हैं। स्टार्टअप्स को लेकर के क्या फ्यूचर दिखता है आपको यहाँ पे? और अभी हम लोग .com बूम की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि एप्लीकेशन बूम पे आ गया है, ऐप बूम हैंडी हो गया और हैंडी हो गया और स्टार्टअप्स को लेकर के, जैसे आप तो ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो कि हाँ भाई बिजनेसेस देख रहे हो, ग्रो होते हुए बिजनेसेस को भी देख रहे हो, नए आते बिजनेसेस को भी देख रहे हो। मेरे को लगता है FNB के कई स्टार्टअप्स आए हैं ऋषिकेश में पिछले कुछ या 2-3 साल में, कोविड वाला पीरियड छोड़ देते हैं तो पिछले 5 साल में जो 3 साल रहे हैं वो 5 में से 3 साल में आप देखेंगे FNB में बहुत कुछ आया है स्टार्टअप्स के, उसमें कई नए किस्म के व्यापार शुरू हुए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ऋषिकेश में आज से 5 साल पहले डिलीवरी का कल्चर नहीं था, आपने महसूस करी है ये बात? वो भी एक किस्म का, आपने जब एक नया काम शुरू किया है, आपका जो स्टार्टअप है वो दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे करेगा? देखिए, स्टार्टअप होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन बने, आपका एक IT बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, या आपका आप एक क्या बोलते हैं, मोस्टली IT तो सॉल्यूशन है, वो IT तो सॉल्यूशन है, मुझे लगता है मोरलेस हर कोई यूज़ कर रहा है अपने अपने व्यापार में, तो या आप कोई मार्केट प्लेस बनाए, वो भी नहीं है ना। तो स्टार्टअप तो किसी, मेरा जो नया व्यापार है वो मेरा स्टार्टअप है, उसमें लोग टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 साल पहले जैसे मैं कह रहा था डिलीवरी का कल्चर नहीं था, लेकिन आज आप फ़ोन करिए किसी को भी, आप बोलते हैं यार डिलीवर करते हो आप, वो कहता है हाँ जी आप एड्रेस बताओ। किसी का दायरा 5 किलोमीटर का है, किसी का 7 किलोमीटर का है, किसी का 1 ही किलोमीटर का है, लेकिन हर कोई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काम कर रहा है। मुझे लगता है स्टार्टअप्स की बहुत अपॉर्चुनिटी है ऋषिकेश में। ट्रैवल ट्रेड से रिलेटेड स्टार्टअप्स अभी मेरे कम देखने में आए हैं ऋषिकेश में। ट्रैवल ट्रेड में जो मैं बोल रहा टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है ऋषिकेश में, बट अभी तक मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा है यहाँ पे। आप जैसे आप ऑलरेडी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जो बिजनेसेस को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स को लेकर के कुछ प्लान बना रही है या कुछ ऐसा सोचा है या कुछ ऐसा है कि जिसको फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, कि ऋषिकेश का ऑलरेडी जो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली है, वो बिजनेस फैमिली एक ऐसा इकोसिस्टम को हेल्प कर रही है जो स्टार्टअप्स के लिए काम? इस तरीके का इकोसिस्टम बन सकता है, इस तरीके के बारे में किसी ने सोचा नहीं था पहले, लेकिन जिस तरीके से स्टार्टअप्स अब निकल के हैं, जिस तरीके से आज का युवा जो है वो कुछ अलग करना चाहता है, इस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है, बट अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था। एक परेशानी जो प्रतीक जी महसूस करते हैं अभी कि यार मैं जो हूँ ना, ये जो चीज़ है मुझे घुटन देती है इस पूरे मुद्दे पे, जो आपका जॉब है एज अ, जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई एम वांट टू चेंज। देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे हम व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं तो किसी भी चीज़ का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, उससे मेरे को पर्सनली बहुत समस्या होती है। आप कोई काम कर रहे हो, आप निष्ठा से करो, आप पूरी ईमानदारी से करो, होता है ठीक है, नहीं होता आपके प्रयास को सराहा जाता है, हर कोई सराहता है आपके प्रयास को, क्योंकि प्रयास दिखता है, लेकिन उस प्रयास में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल के आया और उसका किसी और ने राजनीतिकरण कर दिया कि नहीं प्रयास अच्छे से नहीं हुआ या इंटेंशन नहीं थी, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उससे प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कहूँगा घुटन होती है, दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, तो उससे ऐसी समस्या नहीं है, बट ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। आपको लगता है कि मतलब लाइक ओपन आर्म्ड इसका मतलब अगर कोशिश हो रही है तो कोशिश करनी तो छोड़ ही नहीं सकता, भारत पाकिस्तान का इशू है, प्रयास तो आज तक चल रहा है। कबालियों ने कब किया था हमला कश्मीर पे? 47 में लगभग 47-48 के बीच में उसी दौरान किया था, लेकिन तब से अब तक प्रयास चल ही रहा है, तो प्रयास करना तो आदमी छोड़ ही नहीं सकता, प्रयास नहीं करेगा तो होगा कहाँ से? भगवान आके झोली में तभी तो रखेंगे जब हम मांगेंगे। घर पे कैसे टाइम बीतता है? मोस्टली तो मैं ऑफिस में रहता हूँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछा, शायद हो सकता है कि मतलब
मैं दोबारा रिफ्रेम कर देता सवाल को कि इस लाइफ में जहाँ पॉलिटिकल लाइफ में हो जाते हैं या जहाँ पब्लिक उसमें आ जाते हैं, उसके बाद घर पर टाइम कैसे बीतता है? मैं आज ही का उदाहरण दे देता हूँ आपको। मैं सुबह, जैसे आज मेरे साले की शादी है तो मेरी वाइफ और बेटा जो है वो गए हुए हैं, मदर घर पे है, बहन आ रखी है। तो मैं सुबह 7 बजे उठा, मुझे बड़ी मंडी जाना था 8:30 बजे का। मैंने उनको समय दे रखा, मतलब मैं समय देने वाला कौन हूँ, तो उन्होंने मेरे को समय दे रखा था कि 8:30 बजे तक मत आना भाई, 8:30 बजे तक हमारे धंधे का टाइम है, 8:30 के बाद आना। तो मैं ठीक 8:30 बजे उनके पास पहुँच गया। 11 बजे हम लोग फ्री हुए, पहले हमने आपसी डिस्कशन किया, आपसी बातचीत करी, उसके बाद कुछ कागज़ वगैरह जो उनके पास थे वो देखे पढ़े, फिर एक रिप्रेजेंटेशन बनाया। उसके बाद 10:30 बजे हम मंत्री जी से मिले, 11 बजे हम फ्री हुए, तब 11 बजे मैं सीधा ऑफिस आ गया। एंड देन मेरे को मेरी वाइफ का भी कॉल आया कि नाश्ता हो गया, मैंने कहा नाश्ता किया नहीं, भूल गए। और फिर मेरी मदर का फ़ोन आया कि नाश्ता करने आ जाओ, मैंने कहा अब तो ऑफिस भेज दो नाश्ता। शादी में नहीं गए? नहीं जाऊंगा, मतलब वो तो पहले चले गए, उनके भाई की शादी है तो वो 15 दिन पहले चले गए, मैं जाऊंगा नहीं। तो सर एक्चुअली वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। नहीं बिल्कुल एक तरफ है, हम मना नहीं कर रहे, आप फंसाओ मत मेरे को। जाऊंगा मैं, लेकिन 2-3 दिन बाद। मतलब ये नहीं होता कि लाइक कभी भाभी जी आपको बोलते हैं कि प्रतीक इट्स माय टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम तुम? होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। पहले जितना टाइम देते थे उतना नहीं देते, तो ऐसा भी होता है कि कभी बदल सुननी पड़ती है। अब आप बदल गए हो? बदल गए हो तो नहीं, बिकॉज वो भी जिस परिवार से आते हैं वो पब्लिक सर्विस में ही रहे हैं, तो वो शी अंडरस्टैंड्स। बट ये डेफिनेटली है, बच्चा छोटा है अभी, उसको भी टाइम चाहिए होता है, वाइफ को भी टाइम चाहिए होता है। मामा कैसे देखते हैं आपकी इस चीज को? खुश हैं, मेरी मॉम भी वर्किंग है एक्चुअली, तो उनको भी समय कम मिलता है। 35-36 साल हो गए उनको, तो टीचिंग के जॉब में है, तो उनको लगता है जो करो निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो, उनका एक ये मंत्र है, सपोर्ट होता है, मंत्र है, सपोर्ट सबका है। मतलब मोस्टली मैंने ज्यादातर लोगों को जब इंटरव्यू किया या जब भी मैंने बात किया, ऐसे लोग जो सोशल सर्विसेज में थे उनका या पॉलिटिक्स में थे, तो उनकी फैमिली से ही होता कि ऐसा है जी तुमने तो टाइम दिया नहीं जिंदगी भर, अब बच्चों को इसमें नहीं एंटर करने देंगे। तो ऐसा आपकी फैमिली में तो नहीं था कि नहीं नहीं यार? नहीं ऐसा नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके बारे में हमने घर पर बैठ के खुद चर्चा करी, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, हम तीनों ने बैठ के चर्चा करी। मदर मेरी वर्किंग है, वाइफ भी मेरी वर्किंग थी शादी से पहले, बट देन घर में बैक टू बैक मेरी सिस्टर की शादी हुई, फिर और कुछ चीज़ें, फिर फादर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उसके बाद ही पास जावे, तो वो समय निकलता गया। अब बेबी छोटा है, शी ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग, बट मुझे लगता है कि जितना समय वाइफ को देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पाया, स्पेशली पिछले 2 साल में तो बिल्कुल ही नहीं दिया होगा, ये बोलना चाहिए कि ना बराबर दिया है, और वही बच्चों के साथ भी हो। आपके पिताजी बहुत एक जाना माना नाम रहा ऋषिकेश का, और अभी रिसेंटली उनका मतलब एक 1.5-2 साल हुए, दो साल के पास है। उनकी गैर मौजूदगी में आप मोस्टली वही काम ज़्यादातर कर रहे हो जो वो करते आ रहे थे, मतलब सोशली अगर आप देखो तो आप उस इमेज को या उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हो। How hard it is to put on that shoes, yeah, fit yourself into that particular gap. देखिए संजय भाई, जो सिचुएशन हमारे साथ हुई, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उस सिचुएशन में आदमी आए। फादर साहब पब्लिक लाइफ में थे, एंड शुरू से नहीं, वो अपनी जब कॉलेज में थे तब से ही एक पब्लिक लाइफ में आ चुके थे। पहले उन्होंने युवा क्लब में थे तो सोशल प्रोग्राम्स कराते थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में आ गए, फिर वो भाजपा मेन स्ट्रीम में आ गए, वहाँ काम किया उन्होंने, उसके बाद व्यापार मंडल की राजनीति उनकी शुरू हुई। वो एक अलग चैप्टर है उनकी लाइफ का, जिसमें कई बार होता है ना कि आप एक युवा होते हो, आप बोलते हो पापा यार इन चीज़ों के लिए आप क्यों इतना एफर्ट डालते हो,
कहते बेटा तुम नहीं समझोगे। जैसे कभी कभी हम इरिटेट होके बोल देते थे, मैं जब आई थिंक कॉलेज में था, छुट्टियों में आते थे गर्मियों में, तो बोलते पापा रात को 11:30 बजे फोन आ रहा है, क्यों उठा रहे हो यार, कोई थाने बुला लेगा आपको। वो एक ही बात बोलते थे, बेटा ऐसा है रात को अगर 11:30 बजे किसी ने आपको फोन किया है, या तो वो बहुत परेशान है या वो आपको सबसे ज्यादा अपना समझता है, नहीं तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है आपके फोन की। और अगर वो परेशान है और उस समय आप नहीं जा पाए उसकी मदद करने की, मदद तो ऊपर वाला करता है, अगर आप उसके लिए प्रयास करने नहीं जा पाए या उसके साथ खड़े होने नहीं जा पाए तो आप आदमी नहीं हो। और ये जो वो कहते थे, वो कहते ना कहते 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 कई बार सुना इस तरीके की कई बातें सुनी, वो सुनते 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 वो दिमाग में बैठ चुकी है कि हाँ ये कितना बड़ा सत्य है। जब हम सोचते हैं कि हाँ मेरे को अगर 7:00 बजे किसी का फ़ोन आया है, और मान लीजिए 6:00 बजे किसी का फ़ोन आया और मैं बहुत गहरी नींद में हूँ और मैं उसको साइलेंट कर दूँ, तो वो मेरा उस व्यक्ति के प्रति ईमानदार होना नहीं होगा, क्योंकि 6:00 बजे वो मेरे को गुड मॉर्निंग करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा है, ये निश्चित है, या रात को 12:00 बजे वो मेरे को गुड नाइट कहने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा है। आपको आपको लगता है कि लर्निंग जो है वो प्रीचिंग से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल लर्निंग अगर किसी ने देखी तो ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल। 100% मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो मेरे पिताजी का, मैं अगेन उसे राजनीतिक नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने एक तरीके से 2013 के बाद व्यापारिक सेवा बोलूँगा मैं, राजनीति भी नहीं बोलूँगा उसको क्योंकि उन्होंने राजनीति करी नहीं इसमें। तो मैं 2008 से लेकर और 2020 मार्च तक का जो समय है, वो जो 12 साल है, उसको मैं इन 2 साल के साथ जोड़ता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास 14 साल का अनुभव है, और 12 साल का जो अनुभव है वो तो बहुत ही बड़ा अनुभव है, क्योंकि उसमें जो मैंने उनके साथ रह के सीखा है उन 12 सालों में, वो बहुत व्यापारिक समस्याओं को दिल से समझना और उनको आगे जब आप प्रशासन के स्तर पे लेके जाते हो तो वहाँ पे तर्कहीन होके नहीं, तर्कों के साथ बात करना, किस तरीके से बात करनी है या तर्क कैसे रखने हैं, वो उन्हीं से सीखा है, वो और किसी से नहीं सीखा। जैसे मैं, हमारा भी काफ़ी, मेरा ट्रैवल ट्रेड में था, मैं UTDB का मेंबर था 2011 में, फिर मैं राफ्टिंग की टेक्निकल कमेटी का UTDB का मेंबर रहा हूँ, उसके बाद अभी मैं 2018 में एक और कमेटी थी उनकी, उसका भी मेंबर रहा हूँ 2018 या 19 में, मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती थी, कई बार मैं उनसे सजेशन लेने आता था, कई बार हम लोगों का बीच कैंप भी था जो NGT के प्रकरण में पूरा NGT ने हटवा दिए थे, सैंक्शंस हो गए थे, तो हम NGT में कोर्ट में 2 साल लड़के जीत के आए केस, एंड वो एक बेंचमार्क केस है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग होंगे पूरे भारत में जो NGT में जाके, एक हाई प्रोफाइल केस था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस थी, वो उसमें 106 कैंप्स बंद हुए थे, हम 24 लोग जीत के आए हैं वो केस। वो बोलते क्लीन चिट के साथ बाहर आना, वो कह रहे थे कि जो इकोसिस्टम है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, गंगा के किनारे जो थे, तो वो जीत के आए हम। तो वो भी जब वो केस चल रहा था और चीज़ें हो रही थी, तो आई यूज टू गो अप टू माई डैड एंड से, पापा ये कैसे होगा, आप वकील से बात कर लो। वो कहते काम तुम्हारा, धंधा तुम्हारा, बात करो, बात करो, बात करोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से। अगर मैं ही बात करता रहूँगा वकील से भी, मैं ही बात करता रहूँगा तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मैं ही सब कुछ बताता रहूँगा, तो तुम कहाँ से सीखोगे। गलती करो, सीखो, ब्लंडर मत कर देना कोई लाइफ में, लगे कि ब्लंडर होने वाला है तो मुझे आगे बता देना। तो उस तरीके के लिबरल डैड थे वो, उस तरह के लिबरल थे फादर साहब। तो अब नाउ एज अ फादर हाउ डू यू सी योरसेल्फ। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अपने फादर साहब का अगर 10% बन गया, 10% जैसे वो एक पिता थे, अगर उनका 10% मैं अपने बेटे का पिता बन गया, तो आई विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। मुझे अपने पुत्र का नहीं पता होगा कि वो सेटिस्फाइड होगा नहीं होगा, बट एज अ फादर आई विल बी सेटिस्फाइड। हाउ डू यू एडमायर योर फादर द मोस्ट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ फादर, और एज अ पॉलिटिकल लीडर? एज अ फादर एनी डे। One thing you miss about him, like? A lot of things. हम लोग रोज़ सुबह, जैसे मैंने बताया मेरी माता ही वर्किंग थी, मेरी शादी के बाद मैं, मेरी वाइफ और मेरे फादर, हम तीनों सुबह का नाश्ता साथ में करते थे। 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो आई थिंक 2015 से लेकर मम्मी
वीकेंड्स पे फ्री होती थी तो हम लोग बैठते थे, तो मैं जल्दी चला जाता था ऑफिस, बट वो सुबह जो उठते ही नहा धो के पूजा करके, क्योंकि घर में डैड थे तो डैड पूजा करके नीचे बैठते थे लॉबी में, अपना न्यूज़ लगा लेते थे वो, और मैं आता था जैसे रेडी हो के तो ब्रेकफास्ट साथ में करते थे। तो पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है वो उन 15 से 20 मिनट में डिस्कस होता था कि पापा आज ये वाला काम होना है, आज वो वाला करना है मैंने, आज ये होना है, आपने ये चीज़ें होनी है, जो भी होता है कि आज हम दोनों अपने अपने काम पे जाएंगे तो ये चीज़ें हमें करके आनी है। और फिर हम रात को 7 बजे शाम को ऑफिस में बैठते थे, मैं अपने ऑफिस से पापा के पास आ जाता था एंड वहाँ पर हम लोग बैठ के इनमें से 50% हो गया है, 60 हो गया है या पूरा हो गया है, कितना गहरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये वो डिस्कस करते थे। इट वॉज लेस ऑफ रिपोर्टिंग, इट वॉज मोर ऑफ डिस्कशन। तो वो सुबह का और वो जो शाम का मीटिंग था वो हमारा बड़ा पर्सनल होता था, उसमें कई बार आप घर की बात भी करते हो, कई बार आप व्यापारिक, कई बार क्या व्यापारिक बात भी करते हो आप, कई बार आप सोशल इश्यूज पे भी बात करते हो, तो कई बार आपको अपने डैड का, मेरे को अपने डैड का गाइडेंस मिलता था बिकॉज बहुत से लोग मिलने आते थे, तो उनके बारे में जानना वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब कुछ जान पहचान तो नहीं बोलूँगा बट उनके बारे में जानना, मेरे डैड का क्या परसेप्शन था उनके बारे में, वो सब वहीं से, वो समय जो था वो आज भी लगता है, वो एक ऐसा गैप है जो आप कोई भी फिल नहीं कर सकता, वो कभी भी फिल नहीं हो सकता। अभी रिसेंट मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी ऑब्जर्व किया ऋषिकेश में, जितने भी पॉलिटिकल, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, चाहे वो स्पेशली जो व्यापार और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो छोटी पॉलिटिक्स होती है जो मेन स्ट्रीम के नहीं है, बहुत तरह का एक इसके बारे में एक परसेप्शन है लोगों का, ये ग्रे हेयर्स की पॉलिटिक्स है, यूथ इन्वॉल्व नहीं था बहुत ज़्यादा। आपने इसका जवाब अपने सवाल में दे दिया, आपने क्या बोला कि एक परसेप्शन था। हाँ। ये परसेप्शन ही है, देखिए एक्चुअली परसेप्शन बनने के भी कारण है ना, कि आपको मान लो कि एक जगह एक मीटिंग हो रही है और वहाँ पे सारे 50 साल से ऊपर के लोग हैं, हालांकि उसमें कभी नहीं कहा गया कि यही लोग आएंगे, लेकिन आप जाके देखोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे नहीं यार यहाँ पे यही लोग हैं, शायद यूथ का कहीं और कौन मीटिंग चल रहा होगा। मैं आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि ऋषिकेश में हमारे जो बड़े हैं वो ही युवाओं को आगे लेके आना चाहते हैं, युवा आना चाहता हो या ना आना चाहता हो वो लेके आना चाहते हैं युवाओं को आगे, वो युवाओं की एनर्जी को इस्तेमाल करके और अपना जो एक्सपीरियंस है उसे एक गाइडिंग लाइट की तरह उसको देके उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो फिर ये इस तरह की पॉलिटिक्स है, जो भी मतलब ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी पार्टिसिपेशन इतना क्यों नहीं है, और क्या मतलब देखो आप आए, एक दो लोग हैं और हैं जो एक्टिवली मतलब यूथ एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े चंक पर ना दिखना है यूथ का, जबकि अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में बड़ा नंबर है जो यूथ उसको संभाल रहा है इस समय। देखिए मैं चेंज ऑफ जनरेशन चल रहा है इस टाइम पे, व्यापार की अगर बात करें, आप किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जाएंगे आपको फादर साहब भी मिलेंगे वहाँ पे काम करते हुए और बेटा भी मिलेगा काम करते हुए आपको डेफिनेटली, मतलब ये मैं अधिकांश प्रतिष्ठानों की बात करता हूँ आपसे, तो आपको मिलेंगे दोनों का मॉडल अलग है। बेटा अगर फाइनेंसिंग और परचेज देख रहा है तो फादर साहब सेल देख रहे हैं, बेटा अगर डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल देख रहा है तो फादर साहब फाइनेंस देख रहे हैं और अकाउंट्स देख रहे हैं, बटा हुआ है काम, और धीरे धीरे सारा का सारा लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है, बांटते जा रहे हैं आपस में, एंड कहीं ना कहीं उससे व्यापार में भी एक एडेड बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट क्या मिल रहा है, पहले एक व्यक्ति काम कर रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, अब दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो आप काम भी तो बढ़ा सकते हैं, अब दो लोगों की एनर्जी अगर आप उसी व्यापार में लगा रहे हैं तो काम तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। आज अगर मैं अकेला हूँ काम करने वाला, मेरे साथ अगर मैं 4 लोग और लगा लूँ परिवार के, तो एम्प्लॉयड हैं हमारे किसी न किसी व्यापार की वजह से, वो अलग सेक्शन हो गया ना, बट मैं अपने ही परिवार के 4 लोग और लगा लूँ अपने साथ व्यापार में, तो मुझे पता है मेरी एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, तो उसको यूज़ भी तो करूँगा ना मैं, क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इवेंचुअली एक्सपैंड करेंगे तो
आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये सारी चीज़ों में बेनिफिट ही मिल रहा है उस चीज़ का। एंड कहीं ना कहीं जब वो व्यापार में आगे लेके आ रहे हैं तो आगे अब पेरेंट्स ये भी तो चाह रहे हैं ना कि आगे जो व्यापारिक समस्याएं हैं उसको डील भी अब हमारे बच्चे ही करें, डील भी बच्चे ही करें ना, हम नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे फादर साहब मेरे को कहते थे कि तुम करोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से। स्पून फीडिंग तो एक टाइम तक हो सकती है ना, बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं कर सकते ना आप स्पून फीड, सीखोगे कहाँ से अगर तुम नहीं करोगे। गलती करो, ब्लंडर मत करना कोई, मुझे लगता है अधिकांश जगह यही होता है। जब हम लोग बात करते हैं भैया पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी मेकिंग में आना है तो पॉलिटिक्स करनी ज़रूरी है। दैट इज इंडिया में तो फिलहाल यही एक तरीका है। जो व्यापारिक पॉलिटिक्स में यूथ की इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करूँ, अच्छा क्यों नहीं है यूथ की इन्वॉल्वमेंट व्यापार, क्यों नहीं? हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में इस बार हमारे संगठन ने आम चुनाव करे, चुनाव पहले भी होते थे, ये नहीं हुआ कि ये पहला चुनाव था, पहले चुनाव होते थे जो छोटी छोटी एसोसिएशंस है, जैसे बिजली इक्विपमेंट की एसोसिएशन, मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन, घाट रोड एसोसिएशन, मुखर्जी मार्ग एसोसिएशन, ये संबद्ध थी हमारी नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से। तो इसके जो अध्यक्ष महामंत्री होते थे वो अपने मत का अधिकार था उनके पास, वो रखते थे मत का अधिकार। इस बार हमारे संगठन ने प्रदेश स्तर पर क्या डिसाइड किया कि अब हम कराएंगे आम चुनाव, आप कराओ सदस्यता। पहले हम सदस्य बनाते थे इन एसोसिएशन को, अब हम सदस्य बनाते हैं सीधा व्यापारी को। अब सीधा व्यापारी हमारा सदस्य है तो उसको मत का अधिकार मिल गया सीधा सीधा। जब उसे मत का अधिकार मिला तो उसने मत डाला, पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, हमारी 276 या 277 इकाइयां हैं पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में, जिसका प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हमारा जो प्रांतीय संगठन है उसका नाम है नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, हर शहर में आपको मिलेगा, ये हमारी नगर की इकाई है। तो हमारी जो नगर की इकाइयां हैं पूरे प्रदेश में, इसमें लगभग 40% में चुनाव हो चुके हैं। एंड यू वोंट बिलीव संजय जी, जितने अध्यक्ष और महामंत्री चुन के आए हैं उसमें 70% जो है वो 40 से कम उम्र के हैं। अब हम बोलते हैं कि 40 से कम के क्यों हैं, मत का अधिकार तो हमारे अंकल जी जो हैं, जो मेरे फादर साहब के साथ के थे या जो आपके फादर साहब के साथ के हैं, सबके पास है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो घर पे कर रहे हैं वैसे ही वो व्यापारिक दृष्टि से अब अपने बच्चों को भी कंफर्टेबल करने के लिए युवाओं को आगे लेके आना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी इच्छा नहीं होती लेकिन आपके बड़े आपको समझाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं ये तुम्हें करना है। हमारे घरों में प्रैक्टिस होती है ना कि बेटा वहाँ शादी है, शगन लिखवाने तुम चले जाओ। हेजिटेशन निकलने में कितना टाइम लगता है, जब पहली बार शगन दिया था तो डर लग रहा था कि अंकल के पास कैसे जाए, ये तो पापा का काम है, अंकल डांट ना दें कैसे पकड़ाएंगे। उसके बाद एक समय वो आया जब चुपचाप जाके अंकल की जेब में डाल देते थे, अंकल नमस्ते, पापा ने भिजवाया है। अब समय वो आ गया है कि अब खुद से दे देते हैं, कि अगर अंकल थोड़ा सा हेजिटेंट भी होते हैं तो बोला जाता है अंकल ये तो आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, हम आपके बच्चे हैं। वो विद टाइम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा। उसके लिए उसी एग्जाम्पल को लेते हुए, जैसे कि लोग अपने व्यापार में कर रहे हैं वैसे ही लोग व्यापारिक प्रतिनिधित्व में भी कर रहे हैं, युवाओं को लाएं। जैसे हमारी कार्यकारिणी अगर आप देखेंगे तो हमारी कार्यकारिणी बड़ी यंग कार्यकारिणी है। कोई एक स्पेशल मैसेज उन सारे लोगों के लिए जो यूथ स्पेशली जो आपको देख जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है और कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में एज अ नहीं बिल्कुल जो बिजनेस लीडर भी मित्र हैं। मैं देखिए मेरे को वो भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता राजनीतिक की, मेरे व्यापारिक साथी और ये और वो, मेरे जितने मित्र हैं व्यापार में, मैं मेरा एक रूटीन है, मैं शाम को ऑफिस से 6 बजे निकलता हूँ और किसी दिन मैं घाट रोड चला जाता हूँ पैदल, किसी दिन मैं मुखर्जी मार्ग चला जाता हूँ, जाता पैदल हूँ, किसी दिन मैं सीधा यहाँ से लेकर आपका वहाँ तक चला जाता हूँ बागला पेट्रोल पंप तक, जहाँ मेरे को कोई मिलते हैं, चाहे वो अंकल जी मिल जाए मेरे, चाहे वो मेरे को कोई मेरा भाई मिल जाए, मैं दुकान पर जाके बैठ जाता हूँ 15-20 मिनट उनके पास लगा के आता हूँ, जस्ट टू मेक एवरीवन कंफर्टेबल कि हाँ अंकल को लगना चाहिए कि हमारा ये बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, ये बाहर का नहीं है, क्योंकि मैं भी उनके लिए वैसे ही महसूस करता हूँ।
और वैसे ही युवाओं के लिए महसूस करते हैं और उनको बोलते भी हैं कि भाई अब अंकल को परेशान करना छोड़ो, दिक्कत होती है तो बताया करो। जैसे मैंने पहले कहा कि समाधान करने वाले हम कुछ भी, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो प्रयास कर सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, हम भाई के साथ जाके खड़े हो सकते हैं। भाई के थाने में प्रॉब्लम, हम कहते हैं चल यार साथ में चलते हैं, देखी जाएगी। हाँ, एटीट्यूड वो है कि देखी जाएगी, पीछे नहीं हटने के, काम हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन साथ में चलते हैं दोनों। जितना दम तेरे में उतना ही मेरे में है, तेरे में कम नहीं है मेरे से, तेरे में भी उतना ही है। क्विक, यहाँ पे अभी जो व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही हैं इसके साथ साथ हम लोगों को ऑफनली खबरों में पढ़ने को मिलता है कि कहते हैं ना, जितना ब्राइट साइड है इक्वली डार्क भी है। तो बहुत सारी चीज एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐसी भी हैं जो हमें अमूमन देखने को मिलती हैं। यूथ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, चाहे हम लोग बात ड्रग्स की करें या हम लोग बात अभी देख रहे हैं कि रिसेंट क्राइम रेट भी बढ़ा है बहुत ज़्यादा शहर में, चाहे वो हमारे व्यापारियों के साथ हुआ हो या आजकल इवन डिजिटल क्राइम बहुत बड़ा है, बड़ा है, कि लोग व्यापारियों को खूब चपत लग रही है कि मतलब इस चीज़ को लेकर के। इस पर क्या देखिए, इसमें संजय जी पहले तो बात करते हैं कि जो ड्रग्स वाले मुद्दे पे बाद में आते हैं, मतलब वो जो डार्कर साइड ऑफ द सिटी है उसमें बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं जो चोरियाँ हुई हैं। देखिए, चोरी रोकना और चोरी होने के बाद उसकी धरपकड़ होना दो बड़े अलग इश्यूज हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को सुसाइड करना है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसे, ऊपर वाला रोक सकता है सिर्फ। भाई मैं यहाँ चढ़ जाऊँ और मैं छलांग मार दूँ, मैं यहाँ चढ़ने के बाद ही तो लोगों को पता लगेगा कि चढ़ गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है मैं कूद जाऊँ। वैसी स्थिति चोर के साथ है, चोर ने प्लानिंग कर ली मेरे को यहाँ से चोरी करनी है, इस तरीके से करनी है, वो कामयाब हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रशासन को की भी दाद देनी पड़ेगी, पुलिस की भी दाद देनी पड़ेगी। जैसे पिछले दिनों 3 चोरियाँ हुई हैं बैक टू बैक, 24 घंटे में खोल दी। इसके लिए तो मैं भी वो करता हूँ कि लाइक हमारे पास रिपोर्ट चीजें तभी होती हैं जब ऑलमोस्ट ये होता है कि हाँ भाई फला जगह चोर पकड़ा गया है ना, खबर ये थोड़ा ना आती कि चोरी, पर हाँ विद इन डे मतलब उन्होंने डे खोली है। एंड ये मैं अभी से नहीं देख रहा हूँ, मैं पिछले लगभग 3 साल से देख रहा हूँ। मुझे लगता है सिर्फ एक चोरी है ऋषिकेश के क्राइम रजिस्टर में, वो जो शिवाजी नगर में हुई थी, सिर्फ वो नहीं खुली। उसके अलावा जितनी चोरियाँ हुई हैं पिछले 3 साल में सारी की सारी खुल गई हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा चीज़ है, उससे कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल भी हैं उनको भी लगता है कि शहर सिक्योर्ड है। देखिए, चोरियां किस चीज़ से खुलती हैं, CCTV से खुलती हैं, आपका सर्वेलांस से खुलती हैं, मेजॉरिटी यही काम करते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं शहर सिक्योर है इसीलिए खुल पा रही हैं, कि पुलिस भी ट्रैक कर पा रही है, लोग भी ट्रैक कर पा रहे हैं। हमारा व्यापारी बहुत सजग है, आप अधिकांश व्यापारियों के यहाँ देखेंगे CCTV कैमराज लगा रखे हैं सबने, सबके यहाँ, और अंदर भी लगा रखे हैं तो बाहर भी लगा रखे हैं, उसका फ़ायदा भी मिलता है पुलिस को। डिजिटल पेमेंट्स की भी मैंने अभी इसमें ऐड किया था अपने सवाल में, डिजिटल पेमेंट्स की भी बात करी थी, बड़ा नुकसान भी है व्यापारियों को उस चीज़ का, फायदा तो है, इंस्टेंट है, फायदा भी है। कोई क्या ऐसी पॉलिसी आप लोगों की तरफ से नहीं है कि लाइक क्या हो, देखो जरूरत है डिजिटल पेमेंट आज की, लेकिन उससे अपना व्यापारी सुरक्षित रहे। डिजिटल फ्रॉड की जो आप बात कर रहे हैं उसमें अधिकांश फ्रॉड जो है वो बैंकिंग सिस्टम की वजह से होता है, बैंक्स की वजह से नहीं, बैंकिंग सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसी को वो लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे को इसमें जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है, इंस्टेड की कोई हम सरकार को बोले। अगर हम जागरूक हैं तो सरकार की तो गाइडलाइंस रेगुलरली चेंज भी होती रहती है और हमारे तक पहुँचती भी रहती है, मुझे लगता है सभी व्यापारियों तक पहुँचती है, हमारे पास मैसेजेस आते हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम चलाते हो आप लोग अपने स्तर पर कि जो व्यापारियों के लिए कोई भी मतलब जो अवेयरनेस के लिए? SBI चेस्ट है जैसे यहाँ की, तो SBI के प्रबंधक जो हैं उनके साथ मिलके कई और बैंकों की ब्रांचों ब्रांच अध्यक्ष जो हैं, ब्रांच प्रबंधक जो हैं, उन लोगों के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती रहती हैं हमारी। और वो मीटिंग ऐसा नहीं है कि हमारे संगठन से हम 2 लोग गए, अध्यक्ष महामंत्री और हो गए, हम उसमें जितने हमारे व्यापारिक संगठन हैं, हमारे जैसे मैंने पहले बताया मुखर्जी मार्ग होगी, घाट रोड के अध्यक्ष हो गए पवन शर्मा जी, अपने उसके हो गए लाजपत राय के नितिन गुप्ता जी, धीरज मकीजा जी, इधर हो गए सौरभ गर्ग जी, विवेक वर्मा, तो सबको खबर देते हैं कि आप लोग भी आइए, क्योंकि समस्या सबको एक कंसोलिडेटेड तरीके से आती है। एंड ऐसा नहीं है ना कि सारा मैं ही एक बुद्धिजीवी हो गया,
या संजय जी एक बुद्धिजीवी हो गए, जब सब लोग बैठते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उन अधिकारियों के साथ सब लोग बैठ के, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आता है, कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो जैसे अभी पॉज मशीन को लेके उनसे डिस्कशन हुआ था हमारा, तो वो रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अभी इस महीने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। कोटक महिंद्रा बैंक ओडीज पे स्पेशल ऋषिकेश के व्यापारियों के लिए एक स्पेशल कुछ निकालने वाला है, इसके स्पेशल स्कीम निकालेगा वो। तो 31 मार्च तक के लिए हमने ही मना किया था, हमने कहा कि कोई भी व्यापारी आपके अकाउंट नहीं खोलेगा। अगर आपको कोई नई स्कीम लॉन्च भी करनी है, वो आए थे मेरे पास, मैंने कहा आप लोगों ने अगर करनी भी है तो आप उसको 15 अप्रैल के बाद लेके आओ, तब तक क्लोजिंग से भी फ्री हो जाता है, आदमी अपनी इन्वेंट्रीज वगैरह मैनेज कर रहा होता है उस समय पे, डिस्ट्रीब्यूशन का जिन लोगों का काम है, बहुत सारे 10 तरह के काम होते हैं, 15 अप्रैल के बाद लेके आओ। आप अगर बाकी बैंक से बेटर देंगे तो व्यापारी क्यों नहीं, व्यापारी को अगर आप आधे परसेंट का भी बेनिफिट देंगे सालाना तो क्यों नहीं लेगा आपसे, बिल्कुल लेगा, निश्चित तौर पे लेगा। और आप जब आधा परसेंट कम दोगे तो हम तो व्यापारी हैं, हम दूसरे बैंक को बोलेंगे तुम्हारे यहाँ ओडी बंद क्यों करा रहा है भाई, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि तुम आधा परसेंट कम दे रहे हो, तुम नेगोशिएट कर लो, हम नहीं कराएंगे बंद भाई। इवेंचुअली तो हम व्यापारी हैं ना, तो व्यापारी को तो एक एक भाई आने पाई का हिसाब करना है। अच्छा थोड़ा सा और पर्सनल बातों पर आते हैं, खाली टाइम कैसे बिताते हैं? खाली टाइम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कोई शौक? ट्रैवल का शौक है, ट्रैवल हो नहीं पा रहा। ट्रैवल हो नहीं पा रहा। इससे पहले जहाँ घूमे कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लगता गया दिस इज व्हाट मेरी लाइफ का जैसे है ना वो, तो वंडर एक्सपीरियंस है? नहीं अभी नहीं, आई वुड से येट टू कम, येट टू कम। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। आई एम श्योर दैट कि जो इन्होंने बात कही है ना येट टू कम वाली, इसी पे मेरा इनके साथ अगला इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, उसी चीज़ को लेकर आएंगे। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं, आपने हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।